समय सह ताल दे आगे चली मनीष विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार अग्रगति मनीषर जीवन शैली को खूब सहज और सरस कर दर्शक बंधु प्रत्येक क्रियार समान पार्श्व प्रतिक्रिया थाए ए कथाटी आपण माने निहाती भाव जानिथिबे। विज्ञान रो बरदान मनुष्य समाज रो उपकार करुछि सत किंतु अन्य पक्षरे देखिबाकू गले एहार बहुल व्यवहार मध्य मनुष्य पई क्षतिकारक साब्यस्त होछि। दर्शक बंधु आजिर दिन रे प्रायतः समस्तक पाखरे मोबाइल फोन रहिछि। खूब कम लोक बोध हुए थिबे जहांक पाखरे मोबाइल फोन नथिबो। छोट ठारू बड़ अबा वयस्क पर्यंत समस्तंकु एबे मोबाइल निशा घरिछि। घंटा घंटा धरी प्रायतः समस्ते मोबाइल फोन रे व्यस्त रहुछन्ते। एभली स्थिति रे फोन रो उद्भावक मार्टिन कूपर निजर उद्भावन को नहीं चिंतार पड़ जाइछन्ते। से दुख प्रकाश करी कहिछन्ति जे मोबाइल रो माया रे फसी लोके प्रकृत जीवन जीवा भूली जाइछन्ते। प्रकृत जीवन ठारू दूरे जाई सेमानंकर बहुमूल्य समय को मोबाइल रे अतिबाहित करी समय नष्ट करुछन्ते जहाँ मते आश्चर्य लागिबा सह दुखी करिछि। अमेरिकार ही वैज्ञानिक डिसेम्बर 26 तारीख 1928 मसीह चिकागो रे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती समय रे से 3 एप्रिल 1973 मसीह मोबाइल फोन उद्भावन करी विश्ववासी को भेटी देथिले। तबे वर्तमान समय मोबाइल रे लोक माने निजर बहुमूल्य समय नष्ट करिबा को नै से चिंता प्रकट करिसुते। निकट रे एको टीवी चैनल रो साक्षात्कार रे से मोबाइल फोन रो व्यवहार को नै दुख प्रकाश करिथिले। साक्षात्कार रे मार्टिन कहिथिले जे से 24 घंटा रे निज मोबाइल फोन को मात्र 5% रु कम व्यवहार करंती। एही समय रे साक्षात्कार नेउथिबा महिला एंकर तांकू कहिथिले जे मु दिन को 5 घंटा मोबाइल व्यवहार करे। तबे एंकरंकर एही कथा रे मार्टिन आश्चर्य होई कहिथिले एबे निज जीवन त बंचतु। एही साक्षात्कार माध्यम रे लोकन को सचेतन करबा सह प्रकृत जीवन ठारू दूरे न जाई वास्तव दुनिया रे बंचिबा को से उपदेश देथिले। एहा मोबाइल कम समय व्यवहार करबा पई से समस्तन को परामर्श देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट महक टीवी न्यूज।